हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड इलेक्ट्रिकिंग में। और दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूं आपको ऐसी कौन सी तीन प्रॉब्लम है जो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, जो कि तीनों प्रॉब्लम को मैं एक एक करके सोल्व करके दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, बने रहे वीडियो में एंड तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्त, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि मैग्नेट कोयल में होती है, जिसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको चेक करके देखना है। और दोस्तों, बने रहे वीडियो में, मैं करता हूँ मैग्नेट कोयल को चेक। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें यही आती है, जो कि मैग्नेट कोयल कभी कभी चालू बंद करने के कारण जल जाती है। और दोस्तों, इसको आप 240 वोल्टेज से भी चेक कर सकते हो, और 240 वोल्टेज से चेक ना करें तो सीरीज बल्ब से आराम से चेक कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूं। और दोस्तों, ये जैसे हम दोनों टर्मिनलों पर तार लगाएंगे तो ये आवाज़ करेगा, अगर आवाज़ नहीं करता है तो ये मैग्नेट कोयल जल चुकी है। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है, जो कि मैं करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, इस प्रकार तार लगाने के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर या मैग्नेट कोयल आवाज़ करती है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है, इसमें टर्मिनलों का आमने सामने करंट नहीं निकालने की, जो कि आप या तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो या फिर सीरीज बल्ब लेके उससे चेक कर सकते हो, जो कि मैग्नेट कोयल में तार लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही चालू होता है उसके बाद ये इधर से उधर करंट निकलना चाहिए, जो कि किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में कार्बन आ जाने के कारण उसमें से करंट आर पार नहीं हो पाता है, इस कारण मोटर नहीं चल पाती है, जो कि यह भी प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टर की है, जैसा कि मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आर पार करंट नहीं निकाल पाता है तो सबसे पहले इसके ऊपर के दो स्क्रू खोलना है, जो कि मैं इस वीडियो में आगे खोल के दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, बने रहे वीडियो में एंड तक ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर चलने की आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी, फिर भी ये मीटर रीडिंग नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर की पत्तियों में कार्बन आ चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्टर को खोल के अंदर से दिखाता हूँ, ताकि आप घर पे ही इसका सॉल्यूशन निकाल सके। सबसे पहले एक स्क्रू ये खोलना है, उसके बाद दूसरा स्क्रू ये खोलना है। दोस्तों, चलिए मैं फटाफट से इन दोनों स्क्रू को खोल के साइड में रखता हूँ और निकालते हैं इसकी कैप को, जो कि पत्तियों के बिल्कुल ऊपर लगी होती है। और दोस्तों, ये खुल गया हमारा कॉन्ट्रैक्टर और ये होती हैं पत्तियाँ। तो दोस्तों, आराम से इसके स्प्रिंग को निकालना है, फिर इसके बाद पत्तियों को धीरे धीरे निकालना है। और दोस्तों, मुझे बताएं आप भी ये सब इस वीडियो को देख के आप आराम से घर पे ही कर सकते हो। खोलने से पहले इसको अच्छी तरह देख ले, ताकि आपको वापस जमाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ उल्टी सुलटी जम गई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए या तो फोटो खींच ले या वीडियो बना ले, ताकि आपको वापस जमाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो तो ये होती है पत्ती जिस पर लगा होता है कार्बन, जो कि मैं घिस के दिखाने वाला हूं आपको। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में एंड तक, और मैं इनको घिस देता हूं फटाफट से, ताकि वीडियो और लंबी ना हो।
दोस्तों, एक ब्लेड तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी और अब दूसरी ब्लेड को मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आपके पास अगर खेत या किसी अन्य जगह पे यह कॉन्ट्रैक्टर खोला हो तो वहाँ पे रेत माल नहीं है तो इन पत्तियों को पत्थर पर ही अच्छे से रगड़ ले ताकि इस पे बिल्कुल भी जंग न रहे। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर चार पोल वाला है इसलिए मैंने इसकी दो ही पत्तियां घसी हैं ताकि आपको दिखा सकूं। इसकी चारों पत्तियां ही जंग लगी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने चारों को नहीं घिसा था क्योंकि इन चारों पत्तियों को घिसने में बहुत टाइम लगता और आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने दो ही पत्तियाँ घिसी है ताकि आपका वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो। इसलिए मैंने दो को छोड़ के दो ही पत्तियाँ घिसी। और दोस्तों, सिंगल पेज में अधिकतर दो पोल वाले ही कॉन्ट्रैक्टर आता है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था चार पोल वाला कॉन्ट्रैक्टर इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना डाली। आप देख के घबराना मत बिल्कुल भी क्योंकि ये चार पोल वाला कॉन्ट्रैक्टर है और अधिकतर स्टार्टरों में दो पोल वाला आता है, इसलिए आप चौंक मत होना। दोस्तों, 8 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद ये वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई हमारे कॉन्ट्रैक्टर की। और इसके बाद आगे वाली जो प्रॉब्लम तीसरे नंबर की प्रॉब्लम आती है वो अब दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के ई ब्लेड में आती है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में एंड तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, इसको नीचे से खोलना है जो कि ये चार स्क्रू लगे होते। तो दोस्तों, इन चारों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ फटाफट से ताकि आपका वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं चारों स्क्रू को फटाफट से खोल लेता हूँ। इसके बाद दिखाता हूँ आपको आगे। ये खुल गया हमारा कॉन्ट्रैक्टर। और दोस्तों, इसकी निकालिए ये वाली ब्लेड जो कि इस पे जंग लगा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों, इसको रेगमाल से या फिर आप पत्थर पर अच्छे से घिस सकते हो, जो कि पत्थर भी पक्का होना चाहिए नहीं तो वह घिस नहीं पाएगी। और दोस्तों, घिस के अच्छे से चमका लेना है, जो कि मेरे पास रेगमाल है, मैं इससे घसता हूँ।
और घिस के इसको वापस अपने ठिकाने पे बिठाना है, क्योंकि मैं फटाफट से घिस के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इनको घिसने के बाद इनको वापस डालते समय ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नेट कोयल उल्टी या सुलटी नहीं जमनी चाहिए, वो जैसे कि जैसे वापस फिट कर देनी है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्टर चलेगा नहीं, जैसा कि मेरे साथ होने वाला था। और दोस्तों वीडियो यहां तक देख ली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और दोस्तों यह वीडियो का काम यहाँ पे समाप्त होता है, इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।